त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शनिवार के कार्यक्रम में। ये सवाल कि कोई भी व्यक्ति नीच कर्म करता कब होता है, आप लोगों में से कुछ ने पूछा था, कुछ लोगों ने, किसी ने पूछा था कि पंडित जी इस पे कार्यक्रम बताइए कि कोई भी व्यक्ति कैसे उसको पहचाने कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो कलुषित बुद्धि का है, वो अच्छे व्यवहारों का नहीं है, उसके प्रभाव कैसे हैं, वो धर्म में विश्वास रखता है कि नहीं, हमारे जो रिचुअल्स हैं उसको वो फॉलो करता है कि नहीं करता है, हमारे जो धर्म शास्त्र हैं उस पे उसकी कितनी आस्था है, वो संस्कृत के श्लोकों में कितने उसके मन लगते हैं, वो कितना धर्म शास्त्रों में विश्वास करता है, अपने बुजुर्गों की बातों को वो कितने ध्यान से और परिपक्वता से उसको परिपुष्टित करता है। तो उसी विषय को लेकर के बहुत छोटा सा कार्यक्रम है, तुरंत ही खत्म हो जाएगा, इस वजह से देखे जाइएगा। एक श्लोक है, ये मैं पढ़ देता हूँ। श्लोक ऐसे है कि होराधीशे पापखेटे रिपुस्थे पापक्षेत्रे भानुपुत्रेण युक्ते। भानुपुत्रेण मतलब भानु मतलब सूर्य और उसके पुत्र मतलब शनि। होरा का जो अधिपति है, जैसे आपकी कुंडली में जो लग्न का अधिपति है, राशि का जो अधिपति है, अगर वो पापखेटे पाप के घर में, पाप घर यानी कि 6वां 8वां और 12वां, और रिपुस थे, रिपु मतलब दुश्मन या दुश्मन के घर में, पाप क्षेत्रे मतलब या तो पाप के क्षेत्र में, यही पाप क्षेत्र कहे जाते हैं ना, मतलब किसी पापी के घर में बैठ गया, वो उसका मित्र नहीं है, या किसी शत्रु के घर में जाके बैठ गया, या फिर भानुपुत्रेण युक्ते किसी पापग्रह के साथ, जैसे शनि मंगल के साथ, राहु के साथ, या 6वें भाव में बैठ गया। सीधी सी बात है। अब उदाहरण में ऐसी प्रकार शूद्र प्रायो राहुणाम केतूनाम वा मतलब वह जातस चांडालो अथवा नीचतुल्य भवति, मतलब ऐसा जातक जिसकी कुंडली में लग्न के अधिपति जो 6वें भाव में बैठे हों सूर्य और शनि से युक्त हो, ऐसी स्थिति वाला जातक। हालांकि ये जो स्थिति बनेगी वो सिंह लग्न में ज्यादा बनेगी, क्योंकि लग्नेश की स्थिति को 6वें भाव में पापग्रह, आप अगर अन्य किसी राशि में देखेंगे तो वो थोड़ा कम, वो चांस नहीं है। मकर लग्न की कुंडली जब बनेगी तो 10, 11, 12, 1, 2, 3 नहीं बनेगी। 11 नंबर की कुंडली जब बनेगी तो 11, 12, 1, 2, 3, 4 6वें भाव में पापग्रह की राशि नहीं बनेगी। 1 नंबर की कुंडली बनेगी तो यहाँ 6 नंबर लिखेगा, तो पापग्रह की राशि नहीं बनी। 2 नंबर की कुंडली बनेगी तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 कोई पापग्रह की राशि नहीं बनी। 3 नंबर की कुंडली बनेगी तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि मिथुन राशि की कुंडली बनेगी, यानी कि पापग्रह की राशि यहाँ बने, पर लग्नेश अगर यहीं पे मंगल के साथ हो या फिर शनि के साथ हो तो ये बात बनती है। 4 नंबर की कुंडली बनेगी तो 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी कि पापग्रह की राशि नहीं बनी। 5 नंबर की कुंडली बनेगी तो यहाँ पे पापग्रह की राशि बनी है। 6 नंबर की कुंडली बनेगी तो 6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी कि यहाँ पे अगर 6 नंबर की कुंडली बनेगी तो ये बात होगी। 7 नंबर की कुंडली बनेगी तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 नंबर शुभग्रह गुरु की राशि है। उसके बाद 8 नंबर की कुंडली बनेगी यानी वृश्चिक लग्न की कुंडली, तो 8, 9, 10, 11, 12, 1 यानी कि यहीं पे मंगल बैठे हों या फिर मंगल के साथ लग्नेश भी यहीं बैठे हों। लग्नेश अगर 8 नंबर की कुंडली बनेगी तो 8, 9, 10, 11, 12, 1 पर यहाँ पे मंगल पापी ग्रह होकर के स्वग्रही हो जाएंगे, इस वजह से ये सूत्र यहाँ लागू नहीं होगा, क्योंकि वही मंगल उस भाव के अधिपति होकर के अगर बैठेंगे तो वो स्वग्रही हो जाएंगे। इसका मतलब ये सूत्र इस बात पे लागू होगी कि लग्नेश हो पर छठवें भाव में पापग्रह की राशि बनी हो और पापग्रह वहीं बैठा हो, या फिर वहां पे पापग्रहों की भरमार हो रही हो, पापग्रह की स्थिति ज्यादा बन रही हो, तो ऐसी स्थिति में जातक नीच कर्म करने वाला। लेकिन अगर ये बात सभी कुंडलियों पे लागू करनी हो, मतलब किसी भी लग्न की कुंडली, ये तो रही एक बात की चलो ये सिंह लग्न की कुंडली थी और लग्न से छठवें भाव में बैठ गए, इस वजह से व्यक्ति जो है वो नीच कर्म करने वाला। यानी कि सिंह लग्न के जातक में अगर वो जातक की कुंडली में लग्नेश अगर छठवें भाव में बैठेंगे और शनि और मंगल से युक्त होंगे तो जातक नीच कर्म करने वाला, या फिर राहु और केतु के साथ बैठेंगे तो व्यक्ति नीच कर्म करने वाला होगा। यहां मंगल को नहीं ही ले सकते क्योंकि सिंह लग्न की कुंडली के लिए मंगल कारक हो जाएंगे, तो मंगल को यहां नहीं गिनेंगे, यहां सिर्फ शनि, राहु और केतु को गिनेंगे। क्योंकि दूसरी लाइन में क्या मैंने पढ़ा था कि शूद्र प्रायो राहुणाम केतुणा, राहु या केतु इनके साथ हो, राहुणा केतुणा, तो ये बात मैंने बताई। अभी हमारे यहाँ बिजली आई, इस वजह से यहाँ कट लिया था मैंने। तो यहाँ मैंने क्या बात पढ़ी थी कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति की कुंडली के लग्नेश अगर छठवें भाव में हो और वहाँ पे शनि का प्रभाव हो तो व्यक्ति जो है वो नीच कर्मरत होता है। पर ये तो बात खाली सिंह लग्न की कुंडली के लिए हुई, अन्य लग्न में हम ये कैसे पहचानेंगे? तो जब इस सवाल का उत्तर ढूंढना है तो अब आपको मैं एक सर्वसाधारण सूत्र बता देता हूँ। किसी भी जातक की कुंडली में अगर गुरु और अगर सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं बैठे हों, यानी कि वो केंद्र में ना हो या त्रिकोण में ना हो या फिर 12वें हो, 8वें हो, 6वें हो, तो लड़ाका हो जाए, बेवजह का झगड़ा मोल लेने वाला हो, प्रैक्टिकल हो जाए, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान समझने लगे, कुतर्क करने वाला रहे, मन में हमेशा ही झगड़ा पाल लेता है, तुरंत ही किसी बात का बुरा मान जाता है, गुरु पे राहु का असर होता है तो व्यक्ति छोटी छोटी चोरियां करने लगता है, बुद्धिमान नहीं होता, बहुत अच्छे तरीके से बात को समझता नहीं है, संयमित नहीं होता, निबंध से युक्त जीवन नहीं जीता, पाप कर्म में रत हो जाता है, परेशान होता है, फिर भी आप उसको कुछ अच्छी बात समझाएंगे तो नहीं समझेगा। या फिर राहु की दशा चले, गुरु अगर खराब हो कुंडली में, चंद्रमा अगर कमजोर होते हों तो व्यक्ति नीच कर्म में रत हो जाता है। मतलब वो अब नीच कर्म में आप जो भी देख लीजिए, वो आप माता पिता का आदर ना करे, बुद्धि कमज़ोर हो जाए, निर्णय लेने में क्षमता कमज़ोर हो जाती है, उसको सही और गलत का भेद ना रहे, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कमज़ोर होने का मतलब क्या है कि वो व्यक्ति शुद्ध और सही तरीके से निर्णय लेने में उसको दिक्कत होती है। जैसे गुरु ज्ञान कराते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, उसके पैसे कहाँ जाएंगे। अगर मैंने क्या बताया कि एक कार्यक्रम में मैंने बात बताई थी कि देव गुरु बृहस्पति वस्तुतः धन के कारक नहीं है, क्योंकि वो धन को कहाँ खर्च करना है, किस दिशा में उसका धन जाएगा और कैसे वो धन को शुद्धतम स्थिति में खर्च करेगा। मतलब वो आपका जो धन है, जो आपने कमाया है, वो धर्म के रास्ते पे खर्च होगा या फिर अधर्म या विधर्म या फिर ऐसे ही कहीं पे भी खत्म हो जाए, तो इसके कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति, धन के सदगति के कारक होते हैं, धन के सदगति के कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। इस वजह से देवगुरु बृहस्पति की कुंडली में स्थिति अच्छी होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर वो कमज़ोर हो गए तो आपके धन को गलत जगहों पे गलत तरीके से व्यय करवाते रहेंगे। लेकिन अगर उनकी कुंडली में स्थिति अच्छी है तो व्यक्ति जो होता है मितव्ययी होता है और मिमिकेबल होता है और विश्वसनीयता का पालन करने वाला होता है और धर्म धुरंधर होता है। ये बात गुरु को लेकर के होती है। तो अगर उनकी कुंडली में स्थिति कमज़ोर होती है तो निसंदेह हम ये बात कह सकते हैं कि कुंडली में जो स्थिति उनकी बन रही है वो ठीक है। तो अगर वो ठीक है तो निसंदेह ठीक है। उसके बाद कुछ चीज़ें और भी होती हैं, जैसे आपको बताऊं सामान्यतया तो अगर गुरु और चंद्रमा षडाष्टक में हो, शकट योग का निर्माण करते हो, मतलब वो छठवें आठवें बैठे हों, द्विद्वादश के संबंध में हो, एक दूसरे से बहुत अच्छे संबंध में ना जा रहे हों, अच्छे अच्छे भावों के अधिपति ना होते हों और परस्पर साथ में बैठ जाते हों, तो भी व्यक्ति को जिद्दी, हठी, गुस्सैल या अपने मन का करने वाला, ये चीज़ें होती हैं। उसके अतिरिक्त आपको और भी बता दूँ कि कब व्यक्ति नीच कर्म करने वाला होता है, लग्न में किसी तरीके से द्विस्वाभाविक लग्न की राशि बन जाए, जैसे 3, 6, 9, 12 लग्न में बन गया, विशेषतः अगर बुध कमजोर हो जातक की कुंडली में, उस पर राहु का प्रभाव हो, शनि का प्रभाव हो, मंगल का प्रभाव हो और लग्न में ही सूर्य और शुक्र बैठ जाए, यहीं पे लग्न में ही सूर्य और शुक्र बैठ जाए, तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा। अब उसको पता ही नहीं चलेगा कि वस्तुतः मुझे करना क्या है और उसके निर्णय कहाँ घोषित होंगे उसको कोई बता नहीं सकता। तो ये स्थिति जो है वो व्यक्ति को कई बार कमजोर कर देती है। वो आप लोगों को मैं एक बात और कहूँ, आप लोग दरअसल बहुत समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं और सही गलत का पहचान और परख रखने वाले हैं। मैं आप लोगों से एक बात कहूँगा कि बहुत अच्छे तरीके से अगर गुरु को ठीक करना है तो एकादशी का व्रत करिए और उसके बाद शुद्धतम स्तुति में पारण किया करिए, ठीक है। और उसके बाद बहुत अच्छी स्तुति ये होगी कि आप नियमतः जिए, नियम से जिए, शुद्ध होकर के जिए, गंगा जल का पान करते रहें, गंगा जी का जल अपने घर में रखिए और उसका जो है वो प्रत्येक दिन अपने भोजन में और अपने पीने के पानी में उसका, पीने के जल में उसको मिला लीजिए और प्रत्येक दिन उसका सेवन करिए, ये मैंने कहा था। तुलसी जी, जहाँ तुलसी जी का जो गमला है उसकी मृतिका माथे पे लगाया करिए, या किसी भी तीर्थ क्षेत्र की मिट्टी उठा करके लाइए और गंगा जी का मिट्टी हो, यमुना, सरस्वती, केदारनाथ, बद्रीनाथ आप लोग जाते ही हैं, आजकल तो घूमते ही हैं लोग, वहाँ की मिट्टी लेके आइए और उससे अपने माथे पे तिलक लगाइए। ये काम कर सकते हैं, किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मैं आपको क्या बताऊं, तो ये सब चीज़ें जिसकी कुंडली में गुरु अच्छे हों, लग्नेश लग्नों को देखते हों, लग्नेश गुरु से दृष्ट हों, बुध गुरु से दृष्ट हों, गुरु से सूर्य दृष्ट होते हों, सूर्य गुरु को देखते हों, ये तो व्यक्ति को कभी भी मोरल उसका डाउन नहीं होता है, मोरालिटी उसकी बनी रहती है, वो चरित्र का चिंतन करने वाला, चरित्र पे चिंतन करने वाला होता है, स्पिरिचुअल होता है, बहुत ज़्यादा विचार करने वाला होता है, विचार उसके शून्य नहीं होते और बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोगों पे निसंदेह भरोसा किया जा सकता है। और एक बात और भी है जो मैंने बताया था अभी कुछ दिन पहले ही कार्यक्रम में, कि जिसके व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा और बुध अच्छे नहीं होते ना, वो भी बड़ा जो होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता। तो अगर मान लीजिए जैसे चंद्रमा अगर बहुत अच्छे हैं और बुध कमज़ोर हो गए तो व्यक्ति बार बार बदलता ही रहेगा, या दोनों कमज़ोर हो गए तो अब तो उसको और भी वो ढोलता डमरू हो जाता है, तो वो कोई भी उसको बजा करके चला जाए, तो ऐसी स्थिति होती है। तो इन सब चीज़ों पर विचार करने की आवश्यकता है। आप अपनी कुंडली में चेक करिए और खुद में अगर जो प्रवृत्ति ऐसी बन रही है तो उसको बदलने की प्रवृत्ति डालिए। क्लियर है? अब जैसे मान लीजिए शनि है, तो अगर जन्म कुंडली में शनि लग्न में बैठ जाएंगे तो व्यक्ति को गंभीर बना देंगे, द्वितीय भाव में शनि बैठ जाएंगे तो व्यक्ति को गंभीर बना देंगे, अष्टम भाव में शनि बैठ जाएंगे तो व्यक्ति को गंभीर बना देंगे। पर वहीं शनि अगर जन्म कुंडली में चतुर्थ में बैठ जाएं, अगर वहीं भाग्य भाव में बैठ जाएं, पंचम में बैठ जाएं, तो फिर परेशान करते हैं। एकादशों में बैठ जाएं, शनि मंगल का प्रभाव एक दूसरे को हो जाए तो व्यक्ति और परेशान हो जाए। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो कुंडली को बड़े लेवल पे प्रभावित करती हैं और बहुत ही प्रभावित करती हैं। ये चीज़ है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। बाबा जी, आपको गीता जी के श्लोकार्थ बता देता हूँ। गीता जी के 11वें अध्याय के 18वें श्लोक में अर्जुन ने बात कही है, मैं जान गया प्रभु, आप ही परम अक्षर हो, या अक्षर ब्रह्म आप ही हो, आप ही सनातन धर्म के मूल हो, आप ही सभी धर्मों के मूल हो, सभी धर्मों का मूल सनातन है। ये यहाँ पे लिखी 11वें अध्याय के 18वें श्लोक में। वस्तुतः आपको ये बात हर जगह मिल जाएगी, सभी धर्मों का मूल, ये बात। और उसके नंबर पर उसके बाद सभी धर्मों के अंतिम आश्रय, या सभी धर्मों के प्रश्रय दाता, सभी धर्मों का आधार और सभी धर्मों के उत्पन्न करने का आधार, ये सब सनातन ही है, क्योंकि विशुद्ध रूप से सनातन ही शुद्ध है और वही शुद्ध है, 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 ये बात है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।